हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। तो आज है हॉलीडे और हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। सूरत के इस्कॉन मंदिर में तो हम कई बार गए हैं, तो फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं बेंगलोर के इस्कॉन मंदिर में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मंदिर है और हमने बहुत ही इसकी तारीफ सुनी है, तो सोचा आज चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, आज हॉलीडे है तो आप देख सकते हैं कि हम दर्शन की लाइन में खड़े हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है आज, और थोड़ी देर पहले थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, अभी नहीं हो रही है और हमारी ये दर्शन की लाइन अब चल पड़ी है। और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का व्यू है। ये मंदिर थोड़ा हाइट पे है, हिल पे है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है और काफ़ी बड़ा मंदिर है आप देख सकते हैं। और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने की मनाही है, तो हम बाहर का ही व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो अभी और एक स्टेप चढ़ना है, लाइन में है अभी हम। ध्यान भी बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि इस्कॉन टेंपल में समोसे वड़े और प्रसाद मिलता है, वो बहुत ही टेस्टी रहता है, तो वो खाने के लिए एक्साइटेड है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लाइन में ही खड़े हैं, अभी थोड़ी देर में हम दर्शन कर लेंगे। और अभी बारिश रुक गई है तो वो बहुत ही अच्छा हुआ। और अब हम अंदर जाने वाले हैं तो एक ही फ़ोटो में ले पाई हूँ भगवान की। और अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और ये मंदिर का बाहर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा व्यू है इधर से और बहुत ही बढ़िया दिखता है बेंगलोर पूरा। तो अब हमने दर्शन कर लिए है और आज थी अग्यारस, तो आज प्रसाद में थी साबूदाना खिचड़ी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, और अंदर ध्यान ने समोसे वड़े खाए, उसकी वीडियो लेनी रह गई है। मंदिर पे आके बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।